आपण माने जानिचंती जे भारतीय जनता पार्टी संविधान रो दुहाई देकरी सबुबेले संविधान को बहुत ऊपर रखिचंती बहुत सम्मान करूचंती बोली ए कथा प्रथमरू कही आसीची। किंतु गत किछि निर्वाचन जदि आमे देखिबा एई संविधान को मोड़ी माड़ी संविधान रो बेक मोड़ी संविधान को सबवर्ट करी निर्वाचन जितिबा पाई कि लगातार प्रचेष्टा भी करी एवं सफल मध्य होई जोठी गत 2019 निर्वाचन रे बीजेपी ओडिशा रु मात्र 8 लोकसभा आसन जीतिथिला 21 रु एई निर्वाचन रे हठात 21 रु 20 जीतिबा साधारण रे लोकंक मन रे संदेह सृष्टि कला समस्त आश्चर्य हेले जे हठात केमती बीजेपी एते भल कला एवं बिजू जनता दल जे 12 आसन जीतिथिला 2019 रे सून हेई जिबा निश्चित भाबरे लोकंक मन रे बहुत संदेह सृष्टि कला। किंतु गणतंत्र रे जनमत को सम्मान दबार जो परंपरा रही से परंपरा अनुजाई आमे मध्य लोकंक मत को मुंड पातिकरी स्वीकार कलु ताकु सम्मान जळिलु एवं विरोधी दलर भूमिका रे रहिबा पई कि निष्पत्ति नेलु लोकंक काम करिबा पई निष्पत्ति नेलु। किंतु एबे 2019 रे भी आसीथिला से कथा सरकार दाबी देले से समय रे किंतु एबे जो रिपोर्ट आसीची बारंबार गोटे परे गोटे जो रिपोर्ट आसूची एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आउ वीएफडी वोट फॉर डेमोक्रेसी ए दुईटी जातीय संस्थार जो रिपोर्ट आसीची से रिपोर्ट रे सीधा सड़क 5 कोटी भोट रो व्यतिक्रम देखिबा को मिलुची। जो दिन पोलिंग हला वोट जो दिन पड़िला से दिन रो टोटल वोट आउ जो दिन गणती हला काउंटिंग दिन रो टोटल वोट ए दुईटी भितरे पाखा पाखी 5 कोटी वोट रो जो व्यवधान आसीची से व्यवधान निश्चित भावरे संदेह केवल नुह जीतिथिबा दल उपरे कौ भली भावरे समाने जीतिले विराट प्रश्नवाची सृष्टि करुछ। ए रिपोर्ट रे आहुरी भी अछि जे 541 आसन जोथ जोड़ा एथर निर्वाचन को गले कारण सूरत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एटा कंटेस्ट हेला नहीं नो कंटेस्ट हेला तेणु 541 रु 538 आसन रे किछि ना किछि वोट रो व्यतिक्रम देखा दैछि। माने आपण भावंतु 541 कॉन्स्टिट्यूएंसी रु 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी रे वोट रो व्यतिक्रम स्पष्ट भावरे देखा दैछि। द्वितीय कथा जो टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि सेथरो ए जो वोट रो व्यवधान जो 5 कोटी वोट रो व्यवधान ये सीधा सड़क 79 कॉन्स्टिट्यूएंसी रो फलाफल को प्रभावित करिछि। माने जदि ये व्यतिक्रम रही नथांता ये व्यवधान जदि ये दुईटी हिसाब भितरे नथांता ताले 79 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रो फलाफल अलगा प्रकार हेथांता एवं केन्द्र रे अलगा सरकार हेथांता एवं ओडिशा रो मध्य 21 रु 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीधा सड़क या द्वारा प्रभावित होउछि। एभली सांघातिक रिपोर्ट आसीछि जोटा सीधा सड़क देशर गणतंत्र केमिति चलीछि देशर संवैधानिक विधि व्यवस्था केमिति चलीछि ता उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करछि। आमुकु ए निर्वाचन रे कुहा गला जे ईवीएम मशीन को हैक करी हबो नाही जदि आपण माने जानंती जे ईवीएम मशीन को नेकरी 2019 पाखरु सुप्रीम कोर्ट रे केस चलीछि किंतु सुप्रीम कोर्ट ता उपरे कोनोसी ना कोनोसी कारणरु तार चूड़ांत निष्पत्ति हे पारि नाही तेणु ये जो केस 2019 पाखरु चलीछि स्वाभाविक एथरो मध्य ता उपरे प्रश्न सृष्टि हबो।
किंतु आमको सेत बीजेपी सरकार केन्द्र रे एबे भी पुणी बीजेपी सरकार सेत बीजेपी सरकार कहले ना ईवीएम हैक हो पार ना ईवीएम केमिति हैक हो पार मुझे कहवाक चाहिए। प्रथम ईवीएम को ये पूरा निर्वाचन को परिचालना करुचंती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आमको बीजेपी सरकार कहले जे इलेक्शन कमिशन जड़े स्वतंत्र सांविधानिक अधिकारी सांविधानिक अनुष्ठान विधि व्यवस्था से किसी हेरफेर हो पारनी से किसी व्यतिक्रम हो पारनी मुँ को मन पक दिए जे निर्वाचन किसी दिन पूर्वर मसे देस पूर्व आपने देखीदेवे चेक करदे डेट्स मसे दुमास पूर्व हठात इलेक्शन कमिशन रो तीन जन मेम्बर को सिलेक्ट करने कि जो तीन जनिया बॉडी जो थे था प्रधानमंत्री एलओपी एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हठात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या भितर बाहर कर दिगला यनिज कमिटी रु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जड़े मेम्बर नुह बोली हठात डिक्लेयर करागला एक कथा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर्यंत मध्य जाइचंती किंतु से केस आज भी सबजुडिस अच्छी तेणु चीफ जस्टिस को अनुपस्थिति रे केवल दुई जन मेंबर सिलेक्ट कले जो बाकी मेंबर मानंको मार्च 9 तारीख दिन ए तीन जन मेंबर भितर जोटा इलेक्शन कमिशन रो तीन जन मेंबर भितर जड़े मेंबर अरुण गोयल हठात रिजाइन कले कौन सी कारण न दर्शाई सी हठात रिजाइन कले एवं तांको स्थान रे जो खाली जगह रहिला से खाली जगह रे केवल दी जन मेंबर वाला टीम तांको सेठी आउ जन को रखिले एवं तार दुई दिन परे इलेक्शन डिक्लेयर हेला अर्थात इलेक्शन कमिशन रे जो तीन जन मेंबर रहिबा कथा केवल जड़े चेयरमैन राजीव कुमार को छाड़ीदे आई जन मेंबर तांकर पूरा पूरी नुआ मेंबर थिले जे दुई तीन दिन भितरे इलेक्शन कमिशन जॉइन करथिले एवं इलेक्शन परिचालना विषय बहुत ता भितरे पशिबा पई तांका पाखरे समय भी नथिला। एटा ला प्रथम कथा समस्त नोट करबा को। द्वितीय कथा इलेक्शन परिचालना बेले ईवीएम मशीन को आमको कहा गला ये डिजिटल मशीन ये ट्रांसपेरेंट ये खाता कलम जो बैलट पेपर उपरे आम दौलु भोट तो से ही प्रक्रिया ठू ये आहुरी बहुत स्वच्छ प्रक्रिया एमती गोटे विश्वास समस्त मनरे दिगला ईवीएम को हैक करी हबो नाई एभली कथा कुआ गला ईवीएम को हैक करी हबो नाई ए कथा आमे भी स्वीकार करुछु। इलेक्शन कमिशन कहले ईवीएम को हैक करी हबो नाई इलेक्शन कमिशन ईवीएम तैयारी करथिले कि ईवीएम मशीन आसिला कोठो ईवीएम मशीन को तैयारी करबा दीटा भारत सरकार कर कंपनी गोटे होची बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गोटे होची ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होची मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय गोटे पीएसयू जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रे आसुची द्वितीय कंपनी ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये होची डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रो गोटे पीएसयू जोटा पुणी भारत सरकार अंडर रे आसुची। तो ईवीएम मशीन गोटे यूज एंड थ्रो मशीन नुए थरे यूज हला पुणी नेक्स्ट निर्वाचन रे सेटा आउ गोटे कौ बूथ को आउ गोटे कौ राज्य को जाउची प्रति थर ईवीएम मशीन रिप्रोग्रामिंग होची जदि रिप्रोग्रामिंग होची ताले सेटा प्री प्रोग्रामिंग भी हे पारिबो कोठी होची पुणी से कंपनी को जाउची आउ ए कंपनी माने भारत सरकार कर जोटा कि बीजेपी शासित बीजेपी नेतृत्व रे जो भारत सरकार चली चंती से भारत सरकार कर तेणु आम सीधा सड़क कहूँ जे ये जो ईवीएम मशीन हैक प्रूफ बोली आपण कहिले ये ईवीएम मशीन हैक प्रूफ नुहे या को दुईटी भारत सरकार कर बीजेपी नेतृत्व रे चली थिबा भारत सरकार कर कंपनी तैयारी करुचंती ताकु रिप्रोग्रामिंग करुचंती खराब हेले से पुणी से कंपनी को जाउची पुणी से माने कौन करुचंती ताकु पुणी बाहर को अणा होउची
एबे जांके भी थरे भी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पब्लिकली ईवीएम मशीन मूल रु शेष पर्यंत प्रक्रिया वोटिंग रो प्रक्रिया को लोकों आगे स्पष्ट करी जदियो जो संस्था मानक नाम आपण आगे कहली एडीआर आउ वीएफडी एमाने बारंबार कही रैंडमाइजेशन रो प्रक्रिया कौन जो वोटर डिस्क्रिपेन्सी आसूची कहीं आसूची फॉर्म 17 सी रो हिसाब आमको दियो वीवीपैट रो हिसाब आमको दियो या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देई एवं जेहेतु ईवीएम मशीन भारत सरकार मालिकाना रे रहुची एवं भारत सरकार विभिन्न कंपनी माने तैयारी करचंती संदेह सृष्टि हबा स्वाभाविक जे यार प्रोग्रामिंग रे गड़बड़ कराई नहले ये 5 कोटी भोट एपट सपट हबार हिसाब आज जाके ना केंद्र सरकार दे पारुचंती ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दे पारुचंती तेणु ये जो पूरा प्रक्रिया ए कथा को लेकर संस्था माने विभिन्न कैंडिडेट माने विभिन्न राज्यर रीजनल पार्टी माने मध्य जे फॉर्म 17C जोटा सबू बूथ रु वोटिंग दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत रे बाहरी थाए ताकू डिपॉजिट कर ताकू भी एबे जंके इलेक्शन कमिशन डिपॉजिट करी पारु नहंती वीवीपैट संगे जतेबेले रैंडम चेक करा होउची वोटिंग मशीन रे जो संख्या वीवीपैट रु आसूची जो संख्या ता भितरे जो 10% चेक करने कथा ता भितरे तालमेल रहूना तेणु ये सबू कथा स्पष्ट करूची जे एथरक निर्वाचन रे अनियमितता होई एवं अनियमितता भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सपक्ष रे होई जेहेतु बीजेपी जो जो राज्य रे पछुआ थिला ओडिशा हो आंध्र हो तर से राज्य रु बेसी ए प्रभाव देखा मिली एवं ओडिशा रे 18 लोकसभा आसन इतरे प्रभावित हबा निश्चित भाव में बहुत दुखदायक एवं जो राजनैतिक दल कहुची निजक विश्वर सर्वबृहत राजनैतिक दल एवं सबुठ देशवासी पूरा हितर काम करसवासी बहुत भल पाँच तीन तीन थर तक निर्वाचित कर केन्द्र सरकार करने पठेले कि अकाल पड़ला से दल को जे गणतंत्र बेक मोड़ी संविधान बेक मोड़ी एभली काम करने को सेने पछघुंचा देना ईसीआई रो सीधा सड़क जहाँ संविधान कहुची ईसीआई रो काम है ईसीआई रो काम सीधा सड़क है केवल एटा नैतिक दायित्व नुह यहाँ संविधानिक दायित्व मध्य जे सेमाने इलेक्शन को ठीक भावरे परिचालना करिवे संविधान रो आर्टिकल 324 और आर्टिकल 19(1) मध्य इलेक्शन कमिशन रो दायित्व को बहुत माने स्पष्ट भावरे प्रांजल भावरे दर्शाइचंती किंतु ये जमापड़ी जे इलेक्शन कमिशन बीजेपी नेतृत्व में चली भारत सरकार ये मिसिकी गोटे मिलिकी गोटे साठ गांठ चली गणतंत्र गोटे कला दिवस कहले अत्युक्ति हम ना लोके भावुंती भोट दौंती किंतु तांकर जोटा गणतांत्रिक अधिकार सेटा हाथ रु छड़े निया होची गोटे जगार मतदाता भोट देचंती आउ जणे जितिकी आसुची याठो आउ गणतंत्र पाइंकी आउ याठो बड़ खतरा किछि नहि पारे याठो बड़ दुखदायक कथा किछि नहि पारे ए कथा को नेकी अनेक राजनैतिक दल अनेक संस्था सुप्रीम कोर्ट को जाइचंती सुप्रीम कोर्ट रे विभिन्न पर्यायर सुनाणी चलीचि किंतु सुप्रीम कोर्ट रे मध्य सुनाणी स्लो चली जोटा मु आपन कहतले 2019 रो केस मध्य एबे जांके स्पष्ट हेइनाइ तेणु जनता जनार्दन साधारण मतदाता आमर बार्ता जे निर्वाचन रे जो मानंकु आमे भाबुचे जे देशर हर्ताकर्ता दैव विधाता जो मानंकु आमे भाबुचे जे देशर संविधान को सेमाने अफोल्ड करिवे आईन रो सम्मान करिवे जो नेता मानंकु आमे बड़ नेता बोली भाबुचे भगवान बोली पूजा करुचे सेमाने साधारण मनीषठु भी हीन एवं गणतंत्र रो बेक मोड़ीबा पई सेमाने पछौ नाहंती बोली सीधा सड़क आमे कहि परबा देखो इलेक्शन कमिशन पाखे बहुत संस्था मुझे कहली
अनेक संस्था अनेक राजनैतिक दल रखि सारी आज भी गंडा गंडा केस बुलू केस बुलू इलेक्शन आम गलु कोर्ट को इलेक्शन कमिशन गले कोर्ट को कोर्ट 2019 पाखर ये कोर्ट केस रो सुनानी आगो को हो पारना मुझे दीटा केस सीधा सड़क सैट कली जोटी गोटे 3-member कमिटी सिलेक्ट करिबो इलेक्शन कमिशन को केमिते तुम्हें रातारात 2-member कमिटी कर देकर सिलेक्ट करदल कोर्ट को गला बेलू ऑलरेडी डिसीजन इज टेकन आज जाके भी से केस रो सुनानी हो पारिना तेणु देशर जो प्रक्रिया चली सबूत मु पूरा पूरा विषय को आपण आगे रखिली लोके ही निष्पत्ति नेबे कौन चली देश में शुणतु एटा क्या कहवापाई कि नुहे मुझको तथ्य प्रमाण देखी कहली मुको देखली जे कोटी कोटी डिस्क्रिपेन्सी रही सबुठी डिस्क्रिपेन्सी रही आम कौटि कहूना आम सीधा सड़क कौचु जे 541 79 पार्लियामेंट प्रभावित हेला भलिया ए व्यवधान देखा जाई ओडिशा रे 18 पार्लियामेंट्री सीट रो सीधा सड़क से गपला देखा देई भारतीय जनता पार्टी को पूरा 542 जितिबार आवश्यकता नहीं शासन करने से माने जहाँ चाहूँ से माने सेटा कले सेटा भी करी पारिले नाही बहुत परिमाण रे कारण कोड़ी ना कोड़ी जनमत प्रिवेल कला किंतु जो प्रश्न गुड़ाक आज ईवीएम उपरे मु उठेची इलेक्शन कमिशन उपरे उठेची भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व रे चली थी भारत सरकार उठेची तार तदंत होबार आवश्यकता रही संस्था उपरे देशर साधारण जनता बहुत भरोसा अछि एमित न हो जे लोकंर भरोसा विष देकर शासन को आप आसबे कहे आज आम आमको लोक जीते आज तो मुझे कहबीजे ओडिशा रे ओडिशा बीजेपी रे नेता मान पचारंतु से जीति चंती किए जीते जदि से जीति था केन्द्र दाबी रखी था दाबी केन्द्र रखी पारे ना मुह फिटिलानी केन्द्र नेतृत्व आगे कौनपाई केन्द्र नेतृत्व जाणी एम को केमी जीते केमिति जितेई एटा केंद्रीय बीजेपी नेता माने जानी चंती सेथी पई तांका कथा को सुनिले नाही डिसाइड करिवो दल तार निष्पत्ति नबो तार मन।